And today I'm in a very bad mood because of my nail extensions. And as you can see here, I can't even show you, and it's in a very bad stage. I literally ripped off, if you can see this, ow, it hurts very bad. Actually, while I was in the kitchen, see, ow, it hurts a lot. Friends, welcome back to my channel. Today I am sharing with you my nail extension after 1 month review, and I'm going to share some good points as well as some bad points about the nail extensions. So let's get started with the video. Take a look at how were my nails before. Extension काफ़ी अच्छा होता है, इट्स अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी, बट उसके लिए आपको कुछ चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो आपको नोट करनी है. एक तो पहली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, लाइक 3000 से मिनिमम स्टार्ट होता है. अगर आप कोई एक्स्ट्रा, जैसे मैंने यहाँ पे ये डायमंड्स यूज़ किए थे, तो अगर ये डायमंड्स होते हैं अराउंड 10 रुपीज़ और 20 रुपीज़ और 50 रुपीज़ ईच, एंड द कलर ऑफ दीज, जो एक कलर ही मैंने यूज़ किया था यहाँ पे, इट कॉस्टेड अराउंड 150 और 250 पर नेल. ओके, एंड ये जो जेल कलर्स होते हैं, इट्स अलग होते हैं, डिपेंड्स ऑन व्हाट कलर और टाइप्स यू आर चूजिंग. एंड इसके बाद जो मेरा टोटल पैकेज था वो अराउंड 3000 के आसपास मुझे पड़ा था. बट फ्रैंकली स्पीकिंग, पहले 15-20 दिन या टिल 1 month यू फाइंड इट वेरी ओके, बट एज एन वेन जैसे जैसे आपका ग्रोथ होने लगता है नेल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ये गैप आ गया है. तो मुझे ऑलमोस्ट 1 month हो चुका है एंड माई नेल्स आर ग्रोइंग, ऑब्वियसली ये गैप आएगा. एंड नाउ दैट दे हैव ग्रोन सो मच, मैंने तब से नेल कट नहीं किए थे, आई थॉट यू नो आई कैन कैरी इट फॉरवर्ड. बट द प्रॉब्लम्स विच आई एम फेसिंग नाउ, कि आप देख सकते हो, एक तो ये बहुत ही अगली लगता है, जैसे जैसे ये डायमंड्स निकलने लग गए हैं, तो ये डेफिनेटली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. सेकेंडली, अगर आप अभी तो फिलहाल लॉकडाउन में घर पे ही हो तो इट डजेंट मैटर, बट जैसे अगर आप कुछ कुकिंग करो या कुछ करो, तो इसका आप देखोगे, जैसे हम इंडियंस मोस्टली टर्मरिक या रेड चिली पाउडर ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसके वजह से इफ़ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू फिंगर्स, द कलर इज़ चेंज्ड कम्प्लीटली. दिस वॉज ओरिजिनल कलर एंड इट इज़ चेंज टू दिस कलर, तो आप देख सकते हो इसका कलर बिल्कुल पीच जैसा हो चुका है, जैसे थोड़ा टर्मरिक का येलो शेड इसमें आ गया है, एंड दिस वाज द ओरिजिनल. तो फर्स्ट प्रॉब्लम था कलर का. सेकंड प्रॉब्लम है कि ये जो डायमंड्स होते हैं, दिस इज़ काइंड ऑफ रफ, तो ये रफ होता है, एंड वेन एवर यू ट्राई टू यू नो कोम योर हेयर या ब्रश योर हेयर और या यू वेयरिंग अ ड्रेस और समथिंग, ये इट टेंड्स टू यू नो फैब्रिक को घिस जाता है या हेयर में अटक जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत होती है. एंड मैंने जो नोटिस किया है यहाँ पे फ्रेंड्स, देर इज़ अ गैप यहाँ पे, ये जो ऊपर का नेल होता है इसमें और अपने ओरिजिनल नेल्स में ये एक गैप होता है जिसमें आपके बाल बहुत ज़्यादा अटकते हैं. आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल, आई डोंट नो वेदर यू कैन सी माई हेयर, बट अगर आप ऐसे देखो तो ये, यू सी दिस, दिस इज़ वॉट हैपन्स. तो
ये मैंने बहुत बार फेस किया है और मेरा काफ़ी बाल इसके वजह से जा चुका है, तो मैं एक तो फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, ये चीज़ है इसमें। और थर्ड पॉइंट इसमें ये है फ्रेंड्स कि जैसे आप कुकिंग करते हो, या अगर सपोज़ आपकी मेड नहीं आ पाई एंड यू ट्राइंग टू क्लीन द यूटेंसिल्स, या आप डिश वॉशिंग करते हो, तो बाय मिस्टेक भी अगर आपका किसी वेसल में हाथ चला गया या कुछ ऐसा हो गया जहाँ पे ये बेंडिंग फ्रिक्शन होता है, एंड दिस हैज़ रियली हर्ट मी, आप समझ सकते हो कि वॉट मस्ट हैव हैपेंड। ये एक्चुअली लिटरली ऐसे बेंड हो गया था यहाँ पे, एंड फॉर्चुनेटली इट्स नॉट ब्लीडिंग, बट नाउ आई एम डन विद दिस एंड इट्स हाई टाइम टू गेट ऑफ माई नेल्स। सो या फ्रेंड्स, सो आई एम गोइंग टू ट्राई दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस वॉज माई फर्स्ट नेल एक्सटेंशन और मैं फर्स्ट टाइम नेल्स को घर में चिप कर रही हूँ। यूजुअली इसका सल्यूशन होता है कि ये जो पोर्शन होता है पीपल ट्राई टू रीफिल इट, बट आई एम नॉट गोइंग फॉर एनी रीफिल। आई एम गोइंग टू जस्ट चिप दिस ऑफ एंड एज एंड वेन, जैसे जैसे ये ग्रो होता रहेगा आई विल बी यू नो कटिंग देम ऑफ। तो लेट्स डू इट फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू ट्राई विद द स्मॉल नेल कटर। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू ट्राई दिस नेल बिकॉज इट्स हर्टिंग अ लॉट। आई डोंट नो वेदर इट्स गोइंग टू फिट हियर और नो। आउ आ इट्स नॉट, आई डोंट नो, इतना हार्ड है ये, आई डोंट नो वेदर इट्स गोइंग टू चिप ऑफ। इससे काम हो रहा है फ्रेंड्स, सो या दैट works well. So this is my first nail which has come off, and now I'm gonna cut this off. इसको ज़्यादा ही करती हूँ because ये बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं। बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रहा है, बट काफी महीनों के बाद मैं ये चीज कर रही हूँ नेल कटिंग। बाय बाय फेक नेल्स, बाय बाय फेक नेल्स। कितना अग्नि लग रहा है मेरे हाथ। व्हाट डू यू थिंक फ्रेंड्स, शुड आई कीप देम स्टिल? ये थोड़े अच्छे हैं, आई डोंट फील लाइक चिपिंग देम ऑफ, बट क्या करूँ। इसमें थोड़ा हल्का हल्का ही कट करूंगी। आई एम गोइंग टू फाइल देम बिकॉज ये थोड़ा प्रिक हो सकता है, एजेस थोड़े से मुझे इसको सॉफ्ट करना पड़ेगा बिकॉज अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू हर्ट। सो आई विल जस्ट सॉफ्टन अप द एजेस, फाइल देम प्रॉपरली सो दैट आई डोंट हैव एनी अदर प्रॉब्लम्स टिल आई गेट माई ओरिजिनल नेल्स बैक। एंड जैसे जैसे ये ग्रो होते रहेंगे मैं इनको ट्रिम करती रहूँगी एंड फाइल करती रहूँगी। यू थिंक फ्रेंड्स, कमेंट डाउन बिलो, बट कीप इन माइंड ऑल माई पॉइंट्स। डू लाइक माई वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, फैमिलीज, हूएवर इज थिंकिंग ऑफ देयर नेल एक्सटेंशंस, एंड प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड लेट्स, आई एम हैप्पी एक्चुअली। I hope that this portion heals soon. Yeah, take care, friends. Till then, bye-bye.